भगवान शिव और माँ पार्वती के विवाह को लेकर, तो वहीं अगर प्रयागराज की बात करें तो वहाँ किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही है? बिल्कुल, जितने शिव मंदिर हैं आज रात से सज गए थे और काफी वहाँ पर धूमधाम से पूरा अगर देखा जाए माँ शिव माँ पार्वती और शिव दोनों का विवाह भी आज यहाँ पर कई जगह यहाँ पर आयोजित किया गया है और तमाम जो मंदिर हैं एकदम सजे हुए हैं और दिव्य और भव्य मंदिर दिख रहे हैं क्योंकि भगवान शंकर भोले बहुत ही भोले हैं तो उनको देखते हुए यहाँ पर जो लोग हैं उन पर तमाम दूध चढ़ा रहे हैं, फल चढ़ा रहे हैं, धतूरा चढ़ा रहे हैं और इसके अलावा यहाँ पर तमाम मंदिर हैं, मेला क्षेत्र में कई मंदिर हैं, सोमेश्वर महादेव मंदिर है, मनकामेश्वर मंदिर है, शंख माधव है, चक्र माधव है, तो ये तमाम जो शिव मंदिर हैं इनमें लोगों की आस्था श्रद्धा देखने को ही मिलती है। तमाम और भी श्रद्धालु इनसे बात करेंगे, आप लोग संगम नगरी आए, क्या आपको कितना स्नान किया, क्या कहना है? डुबकी लगाई मैंने, मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ का माहौल देख के साफ सफाई भी है काफी। डुबकी लगाने आई? मुझे तो गंगा मैया में डुबकी लगाया मैंने, बहुत बार लगाया, एक बार नहीं मैं चार पांच बार निकल के, और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा यहाँ पर, आज सारी व्यवस्थाएं अच्छी लगी मुझे देखने की, बहुत अच्छी व्यवस्था थी यहाँ की, लोग कह रहे हैं व्यवस्थाएं अच्छी थी, लेकिन मैं स्वामी श्रृंगी जी जानूंगा आज शिव पार्वती के विवाह का दिन, ये मौका बहुत ही दिव्य और भव्य है क्योंकि कुंभ मेले का समापन भी है और शिव पार्वती का आज विवाह समारोह भी है, क्या कहना है? शिवा शक्ति, शिव शक्ति के बगैर अधूरा है, शिव शक्ति के बगैर स्वरूप है, सौ शिव शक्ति के साथ हमेशा रहता है, जो शिवलिंग भी रहता है जरारू, आज शिवा शक्ति का दोनों का मिलन दिन है, ये बस ये जो अपना ये महाशिवरात्रि पर्व है शिव शक्ति का विवाह है, शिव शक्ति का विवाह है, जिस दिन सारी शक्तियां नाचने लगती है, सारे सिद्ध, सारे अघोर, सारे ऋषि, सारे जो पहुंचे हुए देवता है, जो सारी जो भी व्यवस्था है इस ब्रह्मांड में और देवताओं की, आज सब प्रत्यक्ष होती है और सब, आज अमृत का दिन है, आज के दिन से पार्वती के जो पूजन करता है, ऐसे संगम महापर्व में, प्रयाग महापर्व में जो शिव जी का पूजन है, कुंभ महापर्व में जो संगम में पूजन करके शिव पार्वती का आज विवाह और रात्रि में पूजन करेगा और शिव और पार्वती शक्ति रूपा है, आपने देखा होगा शिव सौ, शिव में जो ये है शक्ति की है और अपने बगैर सौ सौ मानते हैं अपने आप को, शक्ति के वजह से वो पूर्ण शिव मानते हैं, तो आज के दिन शिवा शक्ति का पूरी तरह से पूजन होना चाहिए, उनका व्रत भी रहना चाहिए और नहा के खूब पूरा जाप करना चाहिए, नदी में बैठ के शिवालयों में जाके और उनका जो भी उनको शुभ है, धतूरा है, बेलपत्र खूब अच्छे, और शिवा शक्ति के विवाह में जो करता है उसका विवाह सुखी रहता है, वैवाहिक जीवन उसका अच्छा होता है, बाल बच्चों के विवाह होते अच्छे होते हैं और कल्याणकारी, शिव कल्याणकारी है, शिव का मतलब कल्याणकारी, शक्ति का मतलब महा सिद्धिदात्री, तो शिव कल्याणकारी, उसका कल्याण होता है और जगत का कल्याण होता है, यदि सब लोग जो भी अपने हिंदू धर्म के सना सब करते हैं तो पूरा संसार का कल्याण करते हैं, पूरा जन कल्याण का, वसुदेव कुंडम शिव पूरे वसुदेव का कल्याणकारी देवता है, इस तरह कह रहे हैं कि कल्याणकारी देवता है और कल्याण करते हैं, इस दिन जो भी व्रत रहता है और उनकी उनका जप तप करता है और संगम का जो यहाँ पर जिस तरह संगम का जो महत्व है क्योंकि आज कुंभ मेले का आखिरी दिन है, 49 दिन हो चुके हैं, तो कुंभ मेले में शिव पार्वती का जिस तरह वहाँ तमाम मंदिर है, वहाँ पूजा अर्चना चल रही है, लोग संगम में डुबकी लगा रहे हैं, लोग संगम में डुबकी लगाने के बाद भगवान शंकर के दर्शन करने गए और उनके शिवलिंग पे जल चढ़ाया और उसके बाद यहाँ वापस अपने अपने घर को जा रहे हैं, पूरे देश से लोग यहाँ पर आए हैं और जो अखाड़े हैं आज बनारस में हैं तो अखाड़े आज भगवान शंकर के वहाँ पर स्थल पे गए, बाकायदे बाबा भोले को उन्होंने वहाँ जल चढ़ाया और उनकी पूरी शोभा यात्रा निकली, अखाड़ों की कमी जरूर है प्रयागराज में लेकिन तमाम संत अभी भी मौजूद हैं, अब धीमे धीमे ये लोग कल अपने स्थानों को रवाना हो जाएंगे लेकिन जो आम श्रद्धालु हैं वो अपने अपने घर को जा रहे हैं और तमाम जो स्टेशन है, ट्रेन है, भारी भीड़ वहाँ जमा है, तमाम स्पेशल ट्रेन चलाई गई है तो इसको देखते हुए तमाम सुरक्षा के इंतजाम जरूर है लेकिन लोग इतने थक चुके हैं कि घर जाते जाते अब वो इतने थके हुए हैं कि किसी तरीके से रास्ते में बैठ रहे हैं और उसके बाद आगे फिर चल रहे हैं, उनको पैदल चलना पड़ रहा है, 15-15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है, तब वो स्टेशन पहुंच रहे हैं, तब बस स्टैंड पहुंच रहे हैं और उसके बाद घर पहुंचेंगे, तो ऐसे में जो श्रद्धा है, आस्था है, ये कहीं ना कहीं उनकी थकान और जो पैदल चल के आ रहे हैं उससे बढ़कर है। बिल्कुल, महाशिवरात्रि की धूम है और लोगों में उत्साह है। निमेश हमारे साथ वाराणसी।